भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट के सीरीज के बाद दोनों देशों के बीच आज से T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। मुकाबला ग्वालियर के नए बने माधवराव सिंधिया स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। शहर में 14 साल बाद इंटरनेशनल मैच होगा। यहां 2010 में आखिरी बार भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला गया था। भारत के ऑलराउंडर शिवम दुबे इंजर्ड होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह बैटर तिलक वर्मा टीम के साथ जुड़े हैं। सूर्य कुमार यादव T20 में फुल टाइम कैप्टन बनने के बाद पहली बार भारत की कप्तानी करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 इंटरनेशनल में 14 मैच खेले गए हैं। भारत ने 13 और बांग्लादेश ने महज एक में जीत हासिल की है। यह जीत 2019 में टीम को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मिली थी। भारत में दोनों के बीच 4 मैच हुए, 3 में भारत और 1 में बांग्लादेश को जीत मिली है।